टेक्सल टाइम्स मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह छोड़ा लेकर हाजिर हूं हमारी खास फेस का संघर्ष शिखर तक संघर्ष शिखर में आज हमारे खास मेहमान हैं महेश जी मित्तल जो कि सी ए है रमेश जी अग्रवाल जो टेक्सटाइल उद्योग और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट व्यापार से जुड़े हैं हम इनसे चर्चा करेंगे एकल श्री हरि रजत जयंती महोत्सव दो होने जा रहा है हम इनसे ब्रीफिंग करेंगे इसके बारे में कि श्रीहरी जो एक संस्था है इसका क्या काम है और कितने सालों से ये वर्क कर रही है पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में धन्यवाद क्या कहेंगे महेश जी जो एकल श्रीहरी जो संस्था है इसका क्या उद्देश्य है और ये संस्था कब रजिस्टर्ड हुई जी हरी सत्संग समिति की स्थापना 1996 में कोलकाता में हुई थी इसका मुख्य उद्देश्य है, है वनवासी समाज को और शहरी समाज को एकजुट करना लगभग 96 में एकल एक अभियान के हमारे जन्मदाता अंडमान में गए थे वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति ने आंखों में आंसू भरकर माननीय श्यामजी गुप्त को कहा कि मुरारी बापू रमेश भाई ओझा जैसे महान संत कलकत्ता मुंबई दिल्ली सूरत में कथा करते हैं, हैं। लेकिन हम वनवासियों को कथा कौन सुनाएगा तो श्याम जी गुप्त की आंखों में भी आंसू आ गए वो सोचने लग गए कि मैं मुरारी बापू को राम और कृष्ण की कथा सुनाने के लिए इन छोटे से गांव में नहीं भेज सकता हूँ तो वहाँ से तब कलकत्ता है तो कलकत्ता में आकर उन्होंने कलकत्ता के कुछ बंधुओं से बात की कि हम वनवासियों के पास राम और कृष्ण की कथा कैसे पहुंचाए सब सोचने लगे लेकिन अंत में गुप्त ने कहा कि हम अंडमान से युवक युवतियों को अयोध्या और वृंदावन भेजेंगे वहां पर उनको राम और कृष्ण की कथा सुनाएंगे कथा सिखाएंगे प्रशिक्षण देंगे नौ महीने दस महीने का यह प्रशिक्षण होगा फिर वो गांव में जाकर वो अपने भाई और बहनों के बीच में कथा कहेंगे तो इस बात को लेकर इस संकल्प के साथ में 96 में कोलकाता की कोलकाता में श्री हरि सत्संग समिति की स्थापना हुई थी लेकिन ये काम पूरे देश में फैलाना था धीरे धीरे कलकत्ता से यह काम आगे बढ़ा सूरत में स्थापना हुई मुंबई में हुई दिल्ली में हुई और आज ये भारत के 22 चैप्टरों में श्री हरि सत्संग समिति की स्थापना हो गई है और ये प्रशिक्षण कार्य नाइन्टी से चालू है आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक लगभग चार बनवासी युवक युवतियों को हम कथाकार बना चुके हैं और वो गांव-गांव में कोने कोने में जाकर राम और कृष्ण की कथाएँ वनवासी बंधुओं के बीच में सुना रहे हैं और उनकी धर्म की जो भूख थी उनको शांत कर रहे हैं आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं लगभग भारत के दो लाख गांव में हमारी पहुंच हो गई है और हमारे वनवासी कथाकार उनके बीच में कथा सुनाते हैं इस तरह श्री हरी सत्संग समिति की स्थापना का उद्देश्य रहा है कि में राम और कृष्ण को की कथा उनको सुनाई जाए वो अपने धर्म के प्रति जागरूक हो और मुख्य बात यह है कि वो भारत माता के प्रति देश के प्रति उनको कुछ कर्तव्य बोध का जानो मह जी क्या कहोगे इसके साथ में हरी सत्संग सथ, जो समिति है आपकी इसका और क्या-क्या वर्क है क्या-क्या काम करती है इसके साथ-साथ में और जैसा कि मैंने बताया कि कथाकार तैयार करना इसका एक कार्य है दूसरा है आज से 25 साल पहले भी वनवासी गांव में मंदिर नहीं थे और आज भी जो मंदिर है वो नगन के बराबर है कहीं-कहीं देखने को मिलते हैं तो एक बात की बात है कि आसाम की घटना है वहां पर उन्नीस की बात है रामानंद सागर की रामायण सीरियल चलती थी तो उन्होंने श्याम जी गुप्त ने प्रवास के दौरान देखा कि वहां पर एक टीवी के सामने डेढ़ सौ लोग बैठे हैं और वो टीवी पर रामानंद सागर की जो रामायण सीरियल है उसको देख रहे हैं तो उन्होंने श्याम जी गुप्त ने एक व्यक्ति से पूछा आपको क्या दिखाई देता है बोला हमको कुछ नहीं दिखाई देता है छोटा सा ये टीवी है हम तो दूर से देख रहे हैं लेकिन ये देख रहे हैं कि ये जो बंदर है ये फुदक रहा है ये हमारी जाति का है ये वनवासी जाति का है बस ये देख हमको संतोष हो जाता है तो श्याम जी के मन में ये विचार आया कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि उनको अपन किसी भी माध्यम से गांव गांव तक प्रोजेक्टर के माध्यम से ये रामायण के सीरियल उनको दिखाएं धार्मिक सीरियल दिखाएं तो इस तरह श्री का विचार मन में आया आज पूरे देश में हमारे पास बावन श्री हरि मंदिर रथ है जो उसमें मंदिर भी बना हुआ है और रात में हम प्रोजेक्ट के माध्यम से उनको रामायण कृष्ण की जो सीरियल है वो दिखाते हैं तो इस तरह ये एक हमारी एक हरि मंदिर रथ योजना हुई जिसका भी श्री हरि सत्स समिति के अंतर्गत चल रही है आज इसका प्रभाव यह हुआ है कि श्री हरि मंदिर रथ के द्वारा छुआछूत की भावनाएं समाप्त हुई है और गांव के लोगों में नशा मुक्ति को भी बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला है नशा करना बंद कर दिया उन्होंने तो ये एक हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है श्री हरि मंदिर रथ जो एक महीने में 40 गांव में जाते हैं दिन में लोग बाग नहा धोकर मंदिर के सामने जाकर पूजा करते हैं और रात को प्रोजेक्टर के माध्यम से रामायण कृष्ण की कथा कितने, कितने, देखते कितने, हैं आज तक तो कितने आपने कथाकार तैयार कर दिए ट्रेनिंग आज तक हमने पूरे 96 भारत में नाइन्टी सिक्स से आज तक हमारे पूरे भारत में युवक युवतियों को मिलाकर चार हजार कथाकार तैयार कर चुके हैं आपको ये बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है इसमें युवतियों की संख्या ज्यादा है युवक कम है युवतियाँ लगभग इसमें ढाई से तीन हजार है युवक हजार बारह सौ है तो युवतियाँ इसमें बहुत आगे आ रही हैं लेकिन आज के दिन हमारे पास चार हजार को प्रशिक्षण दे चुके हैं लेकिन आज भी हमारे पास पंद्रह सौ कथाकार ऐसे हैं जो तीसो दिन श्री हरि समिति के अंतर्गत ही कार्य कर रहे हैं और गांव-गांव में जाकर धर्म की अलग जगा रहे हैं रमेश जी आज तक कितने मंदिर जो है आप लोगों ने बना दिए वनवासी इलाकों में मंदिर तो हमने दो ही बनवाए हैं पर हमारे हरिरथ जो है हाँ। वो मंदिर से भी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है कितने एक जो आपका हरि रथ जो है वो कितने गाँव को एक महीने में डाल एक महीने में हमारा ही मंदिर रथ 40 गांव में जाता है एक दिन में दो गांव में जाता है और लगभग 20 21 दिन वो मंदिर रथ जाता है गांव में घूमता है इस तरह 40 गांव को हम एक रथ के द्वारा दर्शन करवाते हैं जो ये 40 गांव रहते हैं ये पूरे आदिवासी रहते हैं या फिर और भी दूसरे गांव नहीं ये सब पूरे आदिवासी रहते हैं आज आदिवासी गांव लगभग 4000 गांव पूरे भारत में वनवासी गांव है छोटे छोटे गांव है जहां पर पाँच सौ हजार की आबादी है और वो कई कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर रोड भी नहीं जाती है कच्चे रास्ते से होकर अपने को वहां पूछना पड़ता है वहां कोई बसों की व्यवस्था नहीं है कई हमारा काम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है इधर गुजरात से लेकर आसाम तक हमारा काम है पूरे देश में ये काम चल रहा है जैसे कि महेश जी है ना पहले लोगों को जैसे आपने बताया कि पहले वहाँ के गाँव के लोगों को ये जैसे कि आप रामायण दिखाते थे, थे लेकिन उसमें ये होता था कि आप बंदर दिख रहा है लेकिन अब क्या भगवान की जो जैसे आप लोग बोलते हैं नहा धाओ के वो पूजा करते हैं तो क्या अब पूजा का जो करना सीखा क्योंकि पूजा जब आती नहीं आदिवासी गाँव के लोगों को तो फिर उनको सिखाया जाता है या कैसे उन भारतीय संस्कृति का जन्म ही प्रकृति के अंतर्गत ही हुआ है वो संस्कार है उनमें सभी लोगों से ज्यादा है।, है लेकिन वो हनुमान जी को पहचानते कि हनुमान जी है उनके आगे वो हाथ जोड़ कर खड़े होते हैं उनको पूजा नहीं करनी आती हाथ तो वो खड़े होकर हाथ जोड़कर कर वो खड़े होते हैं और पुष्प अर्पण करते हैं उनको और हमारे पूरे देश में अभी इकहत्तर जगह गाँव में संस्कार शिक्षा केंद्र भी चलते हैं जब उनको एक बाल मंदिर को देख लेते हैं फिर हम साप्ताहिक उनको गांव के लोग इकट्ठे होते हैं उनको संस्कार की शिक्षा देते हैं उनको धर्म के बारे में बताते हैं और जो उनको दैनिक जीवन में जो कार्य करना चाहिए उनको बताते हैं कि सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करना चाहिए हाथ धोकर अपने को खाना खाना चाहिए ये सब बातें उनको कितने संस्कार से कितने संस्कार अभी, जैसे आप अभी पूरे देश में इकहत्तर हजार गाँव में हमारे संस्कार केंद्र चल रहे हैं अच्छा अभी हमारा आगामी लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक हम एक लाख गाँव तक दैनिक सत्संग केंद्र चालू कर देंगे जैसे आपने बताया कि भाई नक्सलवाद की जैसे आपने दिन में ब्रीफिंग हुई थी उसमें आपने नक्सलवाद की बात की थी तो क्या आदिवासी इलाकों में जो नक्सलवाद का जो है तो क्या ये लोग आपके रथ दूसरे लेके जाते हैं आदिवासी इलाकों में तो फिर आपको किस प्रकार क्योंकि नक्सलवादी इलाका रहता है पहाड़ी इलाके रहते हैं वहाँ तो फिर आप लोग उसको कैसे मेंटेन करते हैं हमारे जो कथाकार हैं वो वनवासी युवक युवतियाँ ही हैं उनसे हमने कईयों से अनुभव सुने हैं बोलो हमको कई कदूतियाँ लग गई थी हमको शराब पीना जुआ खेलना और ये बंदूक उठाना ये सिखाया जाता था लेकिन जब हमको धर्म के ज्ञान की धर्म का ज्ञान हुआ जब बातें मालूम चली और जब भी उन्हीं उन्हीं युवक युवतियों को हम नौ महीने की ट्रेनिंग दी अयोध्या में तो उन्होंने अपनी बंदूक तलवार छोड़ दी और वो सत्संग के कार्य में धर्म के काम में लग गए इस तरह नक्सलवाद पर हमने विजय प्राप्त की है जहाँ जहाँ भी हमारा काम हुआ है वहाँ नक्सलवाद खत्म हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं है आ, क्या कैसे आपको मालूम चला कि यह नक्सलवाद का बिहार में एक नक्सलवाद गांव का नाम है जहाँ से नक्सलवाद पनपा था लेकिन आज हमारे वहाँ पर एकल अभियान के विद्यालय भी चलते हैं वहाँ पर सत्संग केंद्र भी चलते हैं वहाँ पर अभी कोई भी नक्सलवाद की प्रवृत्ति में नहीं लगा हुआ है तो इससे हमारे शहर के लोग भी वहाँ जाते रहते हैं तो ये हमको मालूम है कि वहाँ वहाँ के लोग नक्सलवाद में नहीं है जी रमेश जी क्या कहोगे जैसे कि आपके गायों के लिए भी आप गौ सेवा भी करते हैं तो कितनी अभी तक आप लोगों के पास गायें हैं और गायों के लिए खास तौर पे क्या आप लोग सेवा करें। क्या करेंगे नवंबर से हमने गाय का प्रोजेक्ट लिया है जैसे और अब जाकर फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट हमारा जो है वो आठ हजार मतलब आठ गाय का है उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे और मेन मई जी इसका उद्देश्य क्या है और क्या इस गायों का गायों के दिन बाईस नवंबर 2020 के दिन के दिन योजना की शुरुआत की हमने अभी दोबारा वही घटना सामने आई एक वीडियो आया उस वीडियो में देखा गाय माता को किस तरह कत्तल खाने में काट जाता है किस तरह उनको उल्टा लटकाया जाता है किस तरह से उनके शरीर से खून निकल जाता है तो एकल अभियान के जो लोग हैं उनको बहुत ही पीड़ा हुई ये मन में आई गाय हमारी माता है इसकी रक्षा होनी चाहिए तो रक्षा कैसे होगी ये जो बिना दूध देने वाली गाय है उसको लोग छोड़ देते हैं रोड पे और फिर ये कुछ लोग उनको कत्लखाना पहुंचा देते हैं तो सबसे पहले विचार आया कि बिना दूध देने वाली गाय को हमारा लक्ष्य बिकेगी नहीं बिकेगी नहीं तो कटेगी नहीं हम शहरों में जो गौशालाए हैं वहाँ से बिना दूध देने वाली गायों को गाँव में पहुँचाएंगे किसानों के घर में पहुँचाएंगे जहाँ की वास्तविक में उनका घर है और जो उनको गायों के प्रति उनकी धार्मिक भावना भी है फिर हम उन किसानों को प्रशिक्षण देंगे ट्रेनिंग देंगे कि गाय के गोबर से किस तरह पौष्टिक कंपोजिट खाद बन सकती है किस तरह से इसे दीपक बनाए जा सकते हैं किस तरह इनसे मूर्तियाँ वगैरह बनती है अजानों प्रोडक्ट गाय के गोबर से बनते हैं अभी तो जयपुर में एक रिसर्च हो गई है और गडकरी जी ने खुद ने बताया है कि गाय के गोबर से ये जो अपने बिल्डिंग में पेंट होता है वो पेंट भी शुरू हो जाएगा और हम हर गांव में पेंट बनाने की फैक्ट्री लगाएंगे सरकार से उनको लोन भी मिलेगा और फिर गाय का गोबर पाँच रुपये प्रति किलो बिकेगा तो इस तरह गाय आत्मनिर्भर बन जाएगी फिर कोई भी आदमी बिना दूध देने वाली गाय को भी बेचेगा नहीं बेचेगा नहीं तो कटेगी नहीं हम गौशालाओं से निवेदन कर रहे हैं अभी फर्स्ट अप्रैल से ये पहला पायलट प्रोजेक्ट हम पश्चिम बंगाल और झारखंड से शुरू कर रहे हैं वहाँ से आठ हजार गायों को हम किसानों के घर भेजेंगे हमने आठ हजार गाय कहाँ से मिलनी है वो भी फाइनल हो गया है और किन किसानों के घर जाएगी उन जगहों को भी हमने चयन कर लिया है और हमारी फर्स्ट टीम पच्चीस लोगों की उनको पंद्रह दिन की ट्रेनिंग नागपुर में हमारी गौशाला है वहाँ पर ट्रेनिंग भी मिल चुकी है और फिर इस तरह हम धीरे धीरे और लोगों को ट्रेनिंग देंगे जिन लोगों को ट्रेनिंग दी है वो गाँव में जाकर किसानों को सिखाएंगे कि आपके गाय के गोबर से किस तरह चीजें बना सकते हो कैसे गाय के मूत्र को काम में ले सकते हो उससे कीटनाशक दवाया बनती है इस तरह फिर हम एकल अभियान के द्वारा हमारा बहुत ही बड़ा नेटवर्क है दो लाख गांव में हमारा संपर्क है उसके द्वारा उनके उत्पादन की हम मार्केटिंग करेंगे और मार्केटिंग करेंगे तो फिर कोई भी किसान है इसको गायों को बिना दूध देने वाली गायों को भी बेचेगा नहीं और बेचेगा नहीं तो कटेगी नहीं तो ये हमारा मूल मंत्र है तो ये जब जिस दिन गाय की रक्षा हो जाएगी उस दिन भारत अपना पुनः विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करेगा ये हमको पूर्ण विश्वास है रमेश जी एक बात कहना चाहता था कि आज जो है ना समाज में और आदिवासी इलाकों में खासकर बात करें अवेयरनेस की तो व्यसन मुक्ति की खास तौर पे जरूरत है तो आप उसके ऊपर क्या काम कर रहे हो इसके लिए जो हमारे कथाकार जो भाई हैं वो गांव में जाके कथा करते हैं वो करते हैं तो उसके उनको समझाया जाता है और जिस दिन वो कथा वगैरह हमारा उत्था संस्कार का उस दिन वो शराब नहीं पीते इस तरह करके धीरे-धीरे करके वो शराब छूटती है कई गांव में शराब छूटती है जैसे महेश जी एक चीज पूछना चाहता है जैसे कि व्यसन मुक्ति के लिए आप लोग केंद्र भी लगाते हैं क्योंकि अब जो है ना इतने सालों से जो बंदा कोई चीज़ का नशा कर रहा है तो उसके लिए शिविर दूसरे आपके संस्थान द्वारा आपकी इस समिति द्वारा किए जा रहे हैं नहीं ऐसा कुछ में नहीं है नहीं। एक राम नाम में वो शक्ति है जो आपको नशा मुक्ति दिला सकती है जब अपन शहरों में भी देखते हैं कि शहरी लोग भी नशा करते हैं लेकिन जिस दिन उनका उपवास होता है या कई सात सात दिन का उपवास करते हैं उन सात दिन में वो शराब के हाथ नहीं लगाते हैं इस तरह हमारे वहाँ संस्कार शिक्षा केंद्र चलते हैं वहाँ पर भी उनको इस चीज़ की सीख दी जाती है कि उनको पीने का समय भी शाम को रहता है उस समय हमारे संस्कार केंद्र चलते हैं तो लोग शराब क्यों पीते हैं उनके पास मनोरंजन के कोई दूसरे साधन नहीं है गांव में इसलिए वो शराब पीते थे उनको एक अल्टरनेट मिल गया है कि हमको राम और कृष्ण की भक्ति करनी है गीत गाने हैं साथ में नृत्य करना है तो एक साधन मिल गया तो नशा अपने आप वो राम के नशे में लगे कृष्ण के नशे में लगे और जो वो नशा था शराब का नशा था गांजे का नशा था वो अपने आप छूट गया उससे इस अलग से कोई भी हम वो स... जी रमेश जी एक सवाल पूछ रहा था कि हरि सत्संग समिति के पच्चीस साल पूरे हो रहे हैं और आप लोग अब रजत जयंती महोत्सव मना रहे हैं अब ये जो कार्यक्रम है इसकी क्या क्या रूपरेखा और कौन कौन सी तारीख को ये कार्यक्रम रहेंगे और कहाँ रहेंगे जी पूरे साल के जैसे नहीं नहीं अभी जो ये जो आपका रजत जयंती जो महोत्सव है ये, ये कहा रहेगा आज का तो दिल्ली में है 6 तारीख को तो और इस इसके अंदर क्या-क्या कार्यक्रम जी मैं जी क्या-क्या कार्यक्रम होंगे इसके ये 6 और सात दो दिन दिल्ली में कार्यक्रम होने वाला है 6 तारीख को हमारा 2:30 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा पहला सत्र 2:30 से चार बजे तक का होगा दूसरा 5 से 7 होगा तो पहले सत्र में इन दोनों सत्रों में हमने पिछले 2 महीने से हमारी भारत दर्शन यात्रा निकली हुई है वो लगभग 22 स्टेट में गई है वहाँ पर जो हमारे कथाकार कार्य कर रहे हैं उनके बीच में रामायण की प्रतियोगिता हुई थी उनको हमने हर स्टेट से दो दो लोगों को हम हमने चुनकर दिल्ली भेजा है तो वहाँ चालीस लोगों के बीच में दोबारा ऑनलाइन रामायण की प्रतियोगिता होगी तो हम कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे वहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए हमने ये उद्घाटन समारोह रखा है उस दिन हम हमारा संदेश हमारा काम गांव में है तो बोलते हैं ना कि जंगल में नाचा किसने देखा तो हमारे काम को शहरी लोग मीडिया तक पहुंच नहीं बन पाई है लेकिन हम उन दो दिनों में मीडिया जगत के जो प्रसिद्ध पत्रकार हैं जो मीडिया ग्रुप के मेन आदमी हैं जैसे रजत शर्मा हुआ श्रीमती किरण हुई पंजाब केसरी की इस तरह हम छह पत्रकारों को वहां पर तीन सत्र में बुला रहे हैं और वो उन एज ए चीफ गेस्ट वो लोग आएंगे तो हमारी बात को हमारे एकल बयान को वो समझेंगे और समझ कर पूरे देश के सामने उसको प्रकट करेंगे शुभ भारती चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होगा हमारा अंदाज है कि लगभग देश के तीन लाख गाँव से करीब पांच सात करोड़ लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे जी टीवी के मालिक सुभाष चंद्रा भी हमारे साथ सात तारीख को उस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में आ रहे हैं जो एकल सुल एकल तार का कार्यक्रम सात तारीख को पाँच बजे शुरू होगा वो हमारे वनवासी कथाकारों के द्वारा ही तैयार किया गया देशभक्ति का एक बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम होगा जिसको करीब पाँच करोड़ लोग देखने वाले हैं हमारी इस टीम ने आज से दो साल पहले यूएसए के साठ शहरों में कार्यक्रम किया था उसमें काफी अच्छी संख्या में लोग जुड़े थे और हमको काफी अच्छा डोनेशन वहां से मिला था क्योंकि अपने कलाकारों में आप जब स्वयं अपनी आंखों से उस कार्यक्रम को देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि एक बॉलीवुड से कोई कम कलाकार है क्या वो कलाकार सब तरह की कार्य कर सकते हैं अंकल को ढोलक बजाना है तो भी बजा सकते हैं नृत्य करना है तो वो भी करते हैं वाद्य यंत्र बजाना है तो भी कर सकते हैं सब तरह से वो पारंगत है ये कार्यक्रम जब अमेरिका में इतना बहुत ही सफल हुआ तो ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं फिर इस कार्यक्रम के बाद में वो जो कार्यक्रम हमारा है ये हम उनको हमारे जो टीम है उनको पूरे देश में घुमाएंगे और हर स्टेट में वो कार्यक्रम होगा सूरत में भी वो कार्यक्रम होने वाला है इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है जी हमारे टीवी चैनल के माध्यम से एकल अभियान के संस्थापक श्री श्याम जी गुप्त की प्रेरणा से क्या संदेश देना चाहोगे और आगामी दिनों में जो कार्यक्रम होंगे और हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे जी हम श्याम जी गुप्त की तरफ से ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत को पुण्य विश्व गुरु बनाना है तो भारत के प्रत्येक लोग को देश के लिए समय निकालना होगा जिस तरह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा इसी तरह हमारे एकल अभियान का सूत्र है तुम मुझे समय दो मैं तुम्हारे सपनों का भारत दूंगा यह संदेश हम एकल अभियान के द्वारा सभी को देना चाहते हैं कि हम शहरीजनों से निवेदन करते हैं कि आप एकल अभियान के लिए समय दीजिए अधिक से अधिक समय दीजिए आपके सपनों का भारत आप अपनी आंखों से देख पाओगे चलो बहुत बहुत धन्यवाद तो ये थे एकल अभियान के संस्थापक के जो एकल अभियान श्री हरि तो ये थे श्री हरि सत्संग समिति के पदाधिकारी जिन्होंने साफ तौर तो पर ये संदेश दिया और आगामी दिनों में दिल्ली में जो इनका जो कार्यक्रम है वो बहुत ही शानदार होने वाला और जो इनकी आदिवासी जो गांव है वहाँ पर जो इनके कथाकार और इनका जो अभियान चल रहा है वो भी देखने लायक है आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही आप देखते रहिए टेक्सल टाइम्स नमस्कार